नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। 70 दिन के लंबे इंतजार के बाद शनिवार से फतेह सागर की पाल, रानी रोड स्थित राजीव गांधी पार्क और संजय गांधी पार्क में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। हालांकि फतेह सागर किनारे मुंबई बाजार अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। यूआईटी सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि 30 मई से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक आमजन के टहलने के लिए फतेह सागर आ जा सके। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंस रखनी होगी और 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा और कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया गया तो उसको जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। फतेह सागर किनारे यातायात व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। कलेक्टर आनंद के आदेश पर यूआईटी ने इन स्थानों पर लोगों के जाने पर 20 मार्च को लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। इससे फतेह सागर पाल पर सुबह शाम मॉर्निंग में घूमने आने वालों का आना जाना भी बंद हो गया था। 2 जून से शुरू होंगे फिर से म्यूजियम। शहर के संग्रहालय मंगलवार को शुरू हो जाएंगे। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के खोज एवं उत्खनन अधिकारी डॉक्टर विनित गोधाल ने बताया कि 1 जून को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण म्यूजियम 2 जून से खुलेंगे। फतेह सागर पाल पर 20 मार्च को ऐसे ही रास्ता बंद कर दिया गया था। निगम के पार्क शनिवार से खुल जाएंगे, लेकिन गुलाबबाग, माणिकलाल वर्मा पार्क और नेहरू बाल उद्यान अभी बंद रहेंगे। शुक्रवार को दोपहर बाद से लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही। लोगों ने निगम के अधिकारियों, पार्षदों को फोन लगाए, लेकिन देर शाम तक भी कोई सही स्थिति नहीं बता पाया। रात करीब 10:30 बजे निगम आयुक्त अंकित कुमार सिंह ने स्थिति साफ की, बताया कि निगम के अधीन शहर के विभिन्न पार्कों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन गुलाबबाग, दूधतलाई के पास स्थित माणिकलाल वर्मा उद्यान और टाउन हॉल स्थित नेहरू बाल उद्यान कंटेनमेंट जोन में आने के कारण अभी लोगों के लिए नहीं खोले जाएंगे। निगम ने पार्क खोले, यहाँ के ओपन जिम को किया कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू एरिया से बाहर स्थित नगर निगम के पार्कों में भी लोग आ जा सकेंगे, लेकिन लोग झूले, जिम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। निगम ने शुक्रवार को फतेह सागर किनारे स्थित गुरु गोविंद सिंह पार्क, टाउन हॉल स्थित नेहरू बाल उद्यान सहित जहां भी जिम लगे हुए हैं उनको खाली कट्टे बांधकर पैक कर दिया है, जिससे कि पार्क में आने वाला कोई व्यक्ति जिम का उपयोग न कर सके। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।